सारेगामा कारवा मिनी भक्ति। भगवद गीता अध्याय 12। दोस्तों, मंदिर में जाकर के आप ईश्वर की उपासना कर सकते हैं, या चाहें तो अपने काम को करते हुए भी कृष्ण को मन में रख सकते हैं। दोनों तरह की भक्ति में कोई फर्क नहीं है, लेकिन कृष्ण कर्म योग को अधिक महत्व देते हैं। अगर आप अपना हर काम कृष्ण को समर्पित करते हुए करें तो काम का काम और कृष्ण का नाम भी हो जाएगा। मैं शैलेंद्र भारती भगवद गीता का 12वां अध्याय शुरू करता हूं, जिसका नाम है भक्ति योग। अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ताये भक्तास्त्वं पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। इस श्लोक में अर्जुन एक ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं जिसके बारे में हम सब सोचते हैं। कुछ प्रेमी भक्त जन तो निरंतर कृष्ण के भजन और ध्यान में लगे रहकर उनकी पूजा करते हैं, लेकिन कुछ दूसरे भी भक्त होते हैं जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म को ही भजते हैं। तो इन दोनों प्रकार के भक्तों में अति उत्तम कौन है? दोस्तों, जिस कृष्ण के रूप को हम जानते हैं वो सगुण है। एक होता है ब्रह्म, जिसका अंश हम सब में है, उस निराकार परमात्मा को निर्गुण कहते हैं। ऐसे दो अलग अलग तरीके से भजने वालों में कृष्ण को ज्यादा मान्य कौन है? श्री भगवानुवाच मैया वेश्य मनो ये मां नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमामतः। श्री भगवान बोले, जो लोग मुझ में मन को लगा के निरंतर मेरे भजन में लगे रहते हैं, ऐसे भक्तजन श्रद्धा से युक्त मेरे सगुण रूप को भजते हैं, वे मुझको उत्तम योगी मान्य हैं। बंसी बजैया, रास रचैया, ये कृष्ण का सगुण रूप है। सगुण रूप मतलब जहां पर एक आकार है, एक अस्तित्व है, एक पहचान है, जिसका कि उसके गुणों के माध्यम से आप किसी को उदाहरण दे सकते हैं। और निर्गुण रूप में कोई आकार नहीं, कोई अस्तित्व नहीं, बस एक परम तत्व होता है। कृष्ण कहते हैं कि उनके सगुण रूप को पूजने वाले योगी उन्हें बहुत पसंद हैं। ये त्वक्षरम निर्देश्यं व्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः त्रे प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। सगुण रूप को भजने वाले योगी कृष्ण को उत्तम लगते हैं, लेकिन इन श्लोक में वो उससे आगे बता रहे हैं। कृष्ण कहते हैं कि जो पुरुष अपनी इंद्रियों को भली प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे उस सर्वव्यापी नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक भाव से भजते हैं, वे योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। जो सगुण रूप में कृष्ण को भजते हैं वो कृष्ण को पसंद हैं दोस्तों, लेकिन जो निर्गुण ब्रह्म को पूजते हैं वो भी सीधे कृष्ण को ही प्राप्त होते हैं। आपको जैसा ठीक लगे
आप वैसे अपने इष्ट को भज सकते हैं। क्लेशोधिक तरस्तेषां व्यक्तासक्त चेतसां अव्यक्ता हि गतिर दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। निर्गुण ब्रह्म का पूजन कोई आसान बात नहीं। कृष्ण बता रहे हैं कि उस निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों की साधना में विशेष परिश्रम होता है, क्योंकि आपको अपना देहाभिमान छोड़ना पड़ता है। जब निराकार को पूजेंगे तो स्वाभाविक है कि आप आकार में आस्था नहीं कर सकते। उसके लिए खुद की देह का, खुद के आकार का जो स्वाभिमान है वो भी तो छोड़ना होगा। कृष्ण कहते हैं कि जब तक देह का भान है तब तक अव्यक्त की प्राप्ति बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि निर्गुण की उपासना गलत है, बस ये कि बहुत ही दुष्कर है। इसी के बारे में कृष्ण चेतावनी दे रहे हैं। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्नयस्य मत्परः अन्येनैव योगेन मां ध्याययन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि नचिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसां। लेकिन जो लोग कृष्ण को ही मानते हैं, अपने सारे कर्मों को कृष्ण में अर्पण कर उसके सगुण रूप की उपासना करते हैं, कृष्ण को ही परमेश्वर मान अनन्य भक्ति योग से लगातार चिंतन करते हुए भजते हैं, उनका उद्धार कृष्ण स्वयं करते हैं। कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, हे अर्जुन, मुझमें चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार कर देता हूं। दोस्तों, पुस्तक से पढ़ाई आप स्वयं करके भी एग्जाम्स में पास हो सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं, लेकिन अध्यापक उस पढ़ाई को आसान कर देता है। आपके साथ वो आपका मार्गदर्शन करते हुए चलता है। प्रॉब्लम होने पर आप उस टीचर से पूछ सकते हैं। वैसा ही कृष्ण के सगुण रूप की पूजा है। मय्येव मनंगाधस्त्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हैं कि उसको कृष्ण में मन को लगाना चाहिए, कृष्ण में ही बुद्धि को लगाना चाहिए। दोस्तों, अपना मन और बुद्धि दोनों अगर आप कृष्ण में या अपने लक्ष्य अपने काम में लगा देंगे तो फिर वो काम कितना भी मुश्किल हो आप उसमें लगातार लगे रहेंगे, अपने लक्ष्य की ओर हमेशा बढ़ते रहेंगे। ऐसा ही कृष्ण भी कहते हैं कि उनमें मन और बुद्धि लगा के भक्त फिर उनमें ही निवास करने लगता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। जिस भी वस्तु या काम में मन और बुद्धि दोनों लग गई तो फिर आप उसी में ही तो निवास करने लगते हैं, उसी काम को जीने लगते हैं, और यही बात श्री कृष्ण सिखा रहे हैं। अथ चित्तं समाधातुं न शक्रोषि मयि स्थिरं अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। ये कह तो दिया कि मन और बुद्धि को कृष्ण में यानी अपने काम में लगाना है, लेकिन क्या ये आसान है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मन कभी रुकता नहीं दोस्तों, मन का स्वभाव ही ऐसा है कि आप इसे जो करने को कहेंगे ये उसका उल्टा करने की ही कोशिश करेगा। इसको रोकना ही दुनिया का सबसे दुष्कर काम है।
दुष्कर तो है, मुश्किल है, परंतु असंभव नहीं। इसी मन को साधने के लिए कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यदि तू मन को मुझमें अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है, तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। अभ्यास ही इस मन को नियंत्रण में करने का उपाय है। अभ्यासे प्यसमर्थोसि मत्कर्म परमो भव, मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। मन को संयम में करने का तरीका कृष्ण ने बताया और वो है अभ्यास। और यदि कोई योग का लगातार अभ्यास करने में भी समर्थ नहीं, तो भी उसके लिए कृष्ण रास्ता बता रहे हैं। और वो रास्ता है केवल केवल और केवल कृष्ण के लिए कर्म करना। अपना हर कर्म कृष्ण को सौंप कर अगर आप अपने मन, वाणी और शरीर को भी कृष्ण को ही समर्पित कर देंगे, तो भी आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। दोस्तों, इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं कि आप 24 घंटे कृष्ण की पूजा पाठ में लगे रहें। इसका अर्थ है कि जो भी आप करें उसमें कृष्ण का स्मरण, उनकी बातें और उनके ज्ञान का विचार रहे। अथैतदप्यशक्तोसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, अपने सारे कर्म तुम मुझको समर्पित कर। अपना मन और शरीर मुझमें लगाने में समर्थ न हो सके तो एक और उपाय है, और वो है कर्मों के फल का त्याग। कर्म करते हुए लाभ हानि का न सोच, फायदे नुकसान की चिंता न करते हुए अगर अपनी मन और बुद्धि पर विजय पा लेता है, तो इस उपाय से तो मुझे प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, सोचिए, अगर आपने अपने कर्म के लाभ और हानि के बारे में नहीं सोचा, तो मन में कभी बुरे विचार आ ही नहीं सकेंगे, क्योंकि मन में गलत विचारों का आगमन ही लालच यानी कि लोभ से होता है। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासं ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फलत्यागस् त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्। कृष्ण कहते हैं कि मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। यानी कि अगर आप जानते ही नहीं कि आप अभ्यास क्यों कर रहे हैं, तो उस अभ्यास का क्या फायदा, उस अभ्यास से आप क्या पाएंगे? इससे कहीं अच्छा है ज्ञान। कृष्ण कहते हैं, ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है, अभ्यास से श्रेष्ठ है ज्ञान, और ज्ञान से भी बड़ा है ध्यान, यानी कि मेडिटेशन। दोस्तों, और एक चीज ऐसी भी है जो ध्यान से इन सबसे बड़ी है, और वो है कर्मों के फल का त्याग। अगर आप अपने कर्मों के फल को त्याग सकते हैं, तो उससे बड़ी पूजा कोई नहीं। अर्जुन उवाच अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणं एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखः क्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़निश्चयः मय्यर्पितमनोबुद्धिर्
यो मद्भक्तः समे प्रियः। जो पुरुष हर तरह के द्वेष भाव से रहित है, जो किसी से जलन नहीं रखता, जिसमें स्वार्थ नहीं, जो सबसे प्रेम करता है, जो दयालु तो है लेकिन जिसमें ममता नहीं, वो पुरुष जो अहंकार से रहित है, सुख और दुख को एक जैसा देखता है, क्षमावान है अर्थात अपराध करने वालों को भी अभय देता है, और जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है और मुझमें दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझमें अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको अति प्रिय है। कृष्ण ने उन सारे गुणों की व्याख्या कर दी है दोस्तों जो उन्हें प्रिय हैं, और स्वाभाविक है कि जो पुरुष इन गुणों को प्राप्त करने की कोशिश भी करेगा ना, तो वो भी कृष्ण को प्रिय ही होगा। श्री भगवानुवाच यस्मन्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर् मुक्तो यः स च मे प्रियः। कृष्ण बता रहे हैं कि जो जीव कभी उत्तेजना में नहीं आता और जो किसी और को भी उत्तेजित नहीं करता, वो योगी कृष्ण को प्रिय है। वो योगी जिसको दूसरे की उन्नति देख के जलन नहीं होती, जो सुख और दुख को एक जैसा देखता है, जो भय और उद्वेग यानी फियर एंड एक्साइटमेंट से रहित है दोस्तों, वो भक्त कृष्ण को अति प्रिय है। अगर आप देखें ये सारी अवस्थाएं एक उत्तम योगी की हैं। वो योगी जो बस अपने काम में लगा रहता है, किसी भी तरह का भाव उसे विचलित नहीं करता, कुछ भी उसे डराता नहीं, उसका ध्यान बस अपने लक्ष्य पर, अपने काम पर रहता है। अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः समे प्रियः। कृष्ण कहते हैं कि योगी को आकांक्षा से रहित होना चाहिए। दोस्तों आकांक्षा यानी कि एम्बिशन, एम्बिशन से ही सारे बुरे भाव पैदा होते हैं। एक तरह से ये ही सारी बुराइयों की जड़ है। लेकिन आपका सवाल हो सकता है कि बिना एम्बिशन के तो आप जीवन में कहीं पहुंच ही नहीं पाएंगे। वो निर्भर करता है कि आपकी आकांक्षा आखिर है क्या। अगर आप अपने कर्म और कर्तव्य को सबसे अच्छा करना चाहते हैं और वो ही आपकी आकांक्षा है, तो उसमें कुछ गलत नहीं। लेकिन अगर आपकी आकांक्षा है धन दौलत या सांसारिक भोग, तो वो ठीक नहीं, और ये बात कृष्ण को प्रिय भी नहीं। यो न ह्यश्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः समे प्रियः समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः। जो जरूरत से ज्यादा हर्षित नहीं होता वो कृष्ण को प्रिय है। जरूरत से ज्यादा खुशी आने वाले जरूरत से ज्यादा दुख की निशानी होती है दोस्तों। सुख दुख भी दिन रात की तरह है, एक के बिना दूसरे का होना संभव ही नहीं। इसीलिए योगी सुख और दुख दोनों को एक सा समझता है। वो योगी जो न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है,
वह भक्ति युक्त पुरुष कृष्ण को प्रिय है। जो शत्रु और मित्र में और मान और अपमान में एक जैसा है तथा सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि द्वंद्वों में सम है और आसक्ति से रहित है, वही कृष्ण को प्रिय है। योगी तटस्थ होता है दोस्तों, बाकी लोगों की तरह शोक कामना उसे परेशान नहीं करती, वो बस अपने कर्म में नियत रहता है। तुल्य निंदास्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर् भक्तिमान् मे प्रियो नरः। जब आपकी तारीफ होती है तो मन कैसे खुशी से भर जाता है, पांव जमीन पर नहीं पड़ते, और वहीं अगर हमारी निंदा हो तो कितना बुरा लगता है। पहले शर्म आती है, फिर क्रोध होता है, लेकिन जो योगी होता है वो निंदा और स्तुति को एक समान समझने वाला होता है। वो मननशील होता है, यानी कि मनन करता है, सोचता है। शरीर का निर्वाह कैसे भी हो, छप्पन भोग यानी कि फाइन डाइनिंग हो या सादा दाल भात हो, वो दोनों में संतुष्ट रहता है दोस्तों। योगी में न ममता होती है और ना ही आसक्ति, इसीलिए वो स्थिर बुद्धि होता है और कृष्ण को प्रिय भी। ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानां मत्परमां भक्तास्तेतीव मे प्रियः। जो पुरुष जो योगी श्रद्धायुक्त है वो कृष्ण को प्रिय है, लेकिन श्रद्धा किस में? श्रद्धा अपने कर्तव्य में, श्रद्धा अपने कर्म में, श्रद्धा कृष्ण के ज्ञान में, उसके स्वरूप में। जहां श्रद्धा होती है वहां शंका नहीं होती, क्योंकि जिस पर आप शक करते हैं उसे सम्मान के साथ स्वीकार कैसे करेंगे? जो नौकरी आपको पसंद नहीं ना दोस्तों, उसमें पूरे मन से आप कैसे काम करेंगे? जो रिश्ता आपको पसंद नहीं उसको कैसे निभाएंगे? जीवन के हर अंग में अगर श्रद्धा हो तो सारे काम अच्छे से होते हैं, जैसे कृष्ण ने बताए वैसे ही होते हैं। जो है उसको सच्चे मन से श्रद्धा के साथ स्वीकार कर उसे और अच्छा करने की कोशिश करिए, जीवन अच्छा हो जाएगा और कृष्ण को भी आप पसंद आएंगे। दोस्तों ये था 12वां अध्याय। इसमें कृष्ण ने योगी के गुण, उसके लक्षण और भक्ति करने के अलग अलग तरीकों के बारे में बताया। तरीका आप पर निर्भर करता है, कोई भी चुनिए, बस भक्ति सच्ची रखिएगा। तो आइए अध्याय 12 को यहीं विराम देता हूं और दूसरे अध्याय में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने दोस्त शैलेंद्र भारती को आज्ञा दीजिए, जय श्री कृष्ण।